हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दिल्ली मैथ। आज का टॉपिक हम लाए हैं फैक्टराइज है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्स की पावर 4 माइनस 81 वाई टू द पावर 4, सेकेंड इज 2x टू द पावर 4 माइनस 2x एंड थर्ड इज 3x की पावर 4 माइनस 243। अब इसको 1 by 1 करके हम सॉल्व करेंगे। सिंपल से इसमें हम आइडेंटिटी लगाते हैं, सिंपल से इसमें आइडेंटिटी है, एक आइडेंटिटी होती है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू। तो ध्यान से देखिएगा, हमारी आइडेंटिटी इसमें लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, फर्स्ट ब्रैकेट में होगा एंड सेकेंड ब्रैकेट में होगा ए माइनस बी। दिस ये हमारी सिंपल सी आइडेंटिटी है, इसको हमको यूज करना है और ठीक से समझना, इस आइडेंटिटी का यूज करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, राइट। सो हाउ विल वी सॉल्व इट? सबसे पहले हम इसको ए स्क्वायर जो एक्स की पावर 4 है और माइनस 81 वाई टू द पावर 4 है, हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल सिंपल मेथड्स करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। देखो, ये एक्स की पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 2 और होल पावर ऑफ 2, 2 2 जा 4 हो गए, राइट, 2 2 जा 4 हो जाए। उसी तरह इसमें हम कर लेंगे, 81 है, 81 वाई टू द पावर 4 को क्या कर सकते हैं, 9 9 जा 81, तो यहाँ लिखेंगे 9 और वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखो, इसको अगर हम 2 टाइम्स लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, अगर हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या बेस हमारा इक्वल पावर 8 हो जाएगा, तो एक पावर 2 2 2 4 हो जाएगा। और उसी तरह अगर हम इसको लिख सकते हैं 9 y² है, तो जो आपको 9 y² 2 टाइम्स 9 y² इंटू 9 y² इक्वल टू, तो 9 9 जो 81 और y टू द पावर बेस इक्वल 2 2 4, ये आपका बेस हो जाएगा। तो ये हमारा ब्रेक करने का एक मेथड है, ये आपको समझना है। सो x टू द पावर 4 माइनस 81 y टू द पावर 4 को हमने ऐसे ब्रेक कर लिया, ठीक। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारे पास में, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हमारी आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आप ध्यान से देखिएगा, अब ए प्लस बी, तो ए मीन्स आपका एक्स स्क्वायर है, ए मीन्स आपके है एक्स स्क्वायर है एंड बी मीन्स आपके पास में 9 y², क्लियर। तो ए प्लस बी, तो एक्स में क्या है एक, एक्स स्क्वायर प्लस 9 y², ये हमारे पास में ए प्लस बी 9 y², राइट। सेकेंड की है ए माइनस बी, ए माइनस बी मीन्स है एक्स स्क्वायर माइनस 9 y², ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इस ये जो फार्मूला ये तो ठीक है, अब इसमें फिर से एक आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, इस स्टेप में ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फिर से एक आइडेंटिटी लगेगी। तो इसको तो हम एज इट इज उतार देंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 y², ये आपका एज इट इज रहेगा, ठीक। और इसको ब्रेक कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा माइनस लिखेंगे 3 y² 2 the whole square, ये हो जाएगा, ठीक। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3 y × 3 y, 2 टाइम्स लिखेंगे 3 y × 3 y, इट मीन्स क्या हो जाएगा 3 9 y². सो 9 y² को वी हैव टू राइट हियर 3 y² का whole square। अब देखिए, ये फॉर्म हमारी ये तो ठीक हो गया, ये फिर से फॉर्म एक फार्मूला लगेगा, यही सेम फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या होता फार्मूला, ऑलरेडी वी नो दैट फार्मूला होता है हमारे पास में एक्स, ये तो वही लिख देंगे सेम एज इट इज उतार देंगे, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए मीन्स एक्स है, बी मीन्स 3 y है, तो एक्स प्लस 3 y, और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा आपके पास में एक्स माइनस 3 y, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो क्या होगा, अब इसके आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं हम, तो ये हो गया एक्स प्लस 3 y आ जाएगा और अगले ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास में एक्स माइनस 3 y, क्लियर हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ध्यान से देखिएगा, तो ये इसको हम फाइनल आंसर कर देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव टू कम्प्लीट इट, आई थिंक सो समझ में आ गया होगा, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास में है,
ये 2x की पावर 5 माइनस 2x है। क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं यहाँ पर हम, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर टू है आपके पास में 2x टू द पावर 5 माइनस हो जाएगा आपके पास में 2x। अब ध्यान से देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखिए एक तो 2 आ रहा है दोनों में, ठीक, और एक x की पावर 5 है, x तो मैक्सिमम जो कॉमन होगा हमारा x ही हो सकता है, क्योंकि x को 5 टाइम्स लिखेंगे, एक x है, सिर्फ एक x कॉमन आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 2 कॉमन के रूप में और x x कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या आएगा आपके पास में, कॉमन मीन्स होता है डिवाइजर, तो ये देखो ये दिस बाई दिस मीन्स 2x की पावर 5 बाई हो जाएगा 2x, राइट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पावर 5 है तो इसको जैसे हम 5 टाइम्स लिखा x इंटू एक्स और एक x और लिख दिया और बाई x है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4 x की पावर 4 बचेगा ओनली, ठीक, 2 से 2 कैंसिल, एक पावर एक आप यहीं से कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, ये 5 पावर है ये 1 माइनस हो जाएगी तो 4 पावर हो जाएगी, माइनस देखिए 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल मीन जैसे 2x बाई 2x है तो 2 से 2 कैंसिल, x कैंसिल, 1 आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 आ जाएगा, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे फिर से, तो पहले हम इसको फिट करते हैं फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में, क्या है ए स्क्वायर, ये तो 2 2 जा 4 x की पावर 4 को वी हैव टू राइट हियर x स्क्वायर का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 माइनस हो जाएगा ये आपका 1 का स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए अब अगला आएगा आपके पास में, तो ये होगा कि इक्वल टू हो जाएगा 2x हो जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी, तो a मीन्स अंदर वाला पार्ट मीन्स x स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा a प्लस बी, सेकेंड पार्ट में हो गया a माइनस बी, तो x स्क्वायर माइनस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक, तो ये भी आपका क्लियर होगा, ये आपका हो जाएगा 2x हो जाएगा और ब्रैकेट में कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये जो ये वाला जो पार्ट है इसमें फिर से हमारा फार्मूला यूज होगा, जो ये पार्ट है हमारे पास में ये, इसमें फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये क्लियर हो गया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगले स्टेप में लिखेंगे 2x हो जाएगा, ये आपके पास में सेम हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मीन्स क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको समझाया a मीन्स क्या है x प्लस 1 हो जाएगा और अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा इक्वल टू हो जाएगा 2x ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 एंड हो जाएगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1, इट इज़ आवर फाइनल आंसर। ये आपको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो इसको हम इसको फाइनल आंसर लिख देते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो थ्री लेंगे, तो थ्री के लिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री इज गिवन है आपके पास में 3x टू द पावर 4, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास में है 3x टू द क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में 3x टू द पावर 4 माइनस 243, ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये आपके पास में थर्ड हो जाएगा। अब इसमें मैक्सिमम कॉमन बताइए क्या होगा, सोचिए थोड़ा सा कैसे लाएंगे, तो मैक्सिमम कॉमन ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम कॉमन इसमें आ जाएगा 3 आ जाएगा और बस 3 आएगा इसमें मैक्सिमम, क्योंकि x इसमें है नहीं, x की पावर 4 x कॉमन आएगा नहीं, सिर्फ हम एक डिजिट लेंगे तो 3 कॉमन इसमें आ रहा, तो क्या होगा 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर साइड में आप समझ लीजिए, तो कितना है 3x की पावर 4 बाई 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल, कितना आएगा हाउ मच x4, तो यहाँ लिख देंगे हम x4 हो जाएगा माइनस, ये आपके पास कितना है 243 बाई 3, तो ये आपका हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 माइनस ये 81 आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना आपको ये है कि देखो 3 ये आपका आ गया, ठीक है ना, 3 से 3 कैंसिल, x की पावर 4 माइनस, इसको जब डिवाइड करें तो 81 आ जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को फिर से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, तो ए स्क्वायर मीन्स क्या, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका ए स्क्वायर 2 2 जा 4, राइट, इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर कर देंगे,
क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। सो इक्वल टू हो जाएगा 3 हो जाएगा आपके पास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा, ए मीन्स आपके क्या है एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी मीन्स 9, राइट, ए माइनस बी क्या है, ए क्या है एक्स स्क्वायर और माइनस 9 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, 3 लिखेंगे, ये तो आपका फैक्टराइज हो गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 9, वी हैव नो नीड। अब देखिए ध्यान से, ये फिर से कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास में, ये जो कॉन्सेप्ट एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको इसका हमें फिर से फैक्टराइज करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो ए स्क्वायर को सेट करिए तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा अंदर का पार्ट ए होगा, ये सेट करना होता है, माइनस ये 9 का क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब इक्वल टू हो जाएगा 3 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये हम एज इट इज उतार देंगे। यहाँ फिर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है हमारी आइडेंटिटी, ये अभी हमने पीछे बताया आपको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, क्लियर हो गया आपके पास, ठीक है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी है, ठीक। तो वही चीज है, 3x स्क्वायर प्लस 9 है, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो क्या होगा, ए प्लस बी, ए मीन्स एक्स, बी मीन्स है 3, एक्स प्लस 3 और ए माइनस बी एक्स माइनस 3, तो ये हमारा फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। सो वी हैव टू राइट फाइनल आंसर, क्या लिख देंगे, 3x स्क्वायर प्लस 9 और विद इन ब्रैकेट अगले ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 और ये हो जाएगा एक्स माइनस 3, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो आई थिंक आपको कैसी, तो ये आपका फाइनल आंसर, मैं आपको अच्छे से पहले बना दूं, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, यहाँ पर आंसर लिख दीजिए, ए एन एस डब्ल्यू ई आर। तो आई थिंक आपको स्टूडेंट कैसी लगेगी, 3 क्वेश्चन जो हम आपको एक्सप्लेन किए, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मेंशन कर दीजिए, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चंस हो गया, ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिए हैं, आई थिंक सब समझ में आ गए होंगे, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो ज़रूर बताइएगा, पढ़ते जाइए, खूब प्रैक्टिस करते जाइए, फैक्टराइजेशन में जितनी प्रैक्टिस कर देंगे उतना ही आपको बेनिफिटेड, ये क्वेश्चन 6 से लेकर 10th से तक रिलेटेड हैं, ओके। सो अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक शेयर जरूर करें, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।